हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पेटस एकेडमी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक नए तरीका से ओ डब्ल्यू एस यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे एकदम क्लियर व्यू होगा और हर जो ओ डब्ल्यू एस है आपका उसके बगल में हिंदी भी लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। ठीक है, और ऑप्शंस जो हैं आपके चार ऑप्शंस, एक तो आपका राइट आंसर है और बाकी जो तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो आपका एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो जो तीन और ऑप्शंस हैं उनका हिंदी जो है आपको सबसे नीचे लिख दिया गया है। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, जो और भी जो ऑप्शंस हैं आपके सारे ऑप्शंस के यहाँ पे हिंदी लिख दिया गया है ताकि आपको कोई भी ऑप्शन में प्रॉब्लम ना हो और हर वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप हर वर्ड को याद करते जाएँ। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं ओ डब्ल्यू एस यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए आपका पहला ओ डब्ल्यू एस क्या है, अ मार्क रिमेनिंग ऑन द स्किन फ्रॉम अ वाउंड, मतलब कि घाव का निशान। ठीक है, अभी घाव का निशान जो है कुछ वो बचा हुआ है। तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, बजटिंग मतलब हो गया कि बजटिंग हो गया आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है आपका स्क्वायर, तीसरा हो गया आपका सेविंग और चौथा हो गया क्लोजर। ठीक है, तो बजटिंग मतलब कि अब अपना लेखा जोखा जो है वो तैयार कर रहे हैं तो हमारा जो ये ऑप्शन है एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है अस्कार, SCAR, अस्कार मतलब हो गया आपका घाव, घाव का निशान, तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, अ मार्क रिमेनिंग ऑन द स्किन फ्रॉम अ वाउंड यानी कि घाव का निशान और SCAR, अस्कार, अस्कार मतलब ही होता है घाव का निशान, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं और बाकी जो दो और ऑप्शन हैं सेविंग और क्लोजर, सेविंग मतलब हो गया आपका बचत और क्लोजर मतलब हो गया आपका समापन। ठीक है, तो आप हर एक वर्ड का हिंदी लिख लें फिर, और अगर नहीं भी किसी वर्ड का नहीं लिख दिया हुआ होगा नीचे, ठीक है सॉरी अगर नीचे नहीं होगा तो अब हम अभी बोल दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके लिए वो आपको नीचे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जब पूरा वीडियो कंप्लीट देख लें तो लास्ट में आपको जो है वो हर एक वर्ड बनेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसका हिंदी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर से जाके आप नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, अ बैरियर एट द एंट्री ऑफ अ बिल्डिंग। अब देखिए बैरियर मतलब क्या होता है, बैरियर मतलब होता है एक बाधा। ठीक है, बैरियर मतलब हो गया आपका बाधा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अ बैरियर एट द एंट्री ऑफ अ बिल्डिंग मतलब कि चक्र द्वार। ठीक है, चक्र द्वार घुमाओ घुमावदार जो होता है वो, तो आपका ऑप्शन ए जो है टर्न स्टाइल मतलब हो गया आपका टर्न स्टाइल, आपका ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही है। और बैरियर एट द एंट्री ऑफ अ बिल्डिंग मतलब कि चक्रद्वार इसे कहा जाता है और ऑप्शन ए जो है टर्न स्टाइल मतलब हो गया चक्रद्वार। ठीक है, ऑप्शन बी जो है मैक्सिम इसका मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, नियोलॉजिज्म मतलब हो गया नए शब्दों का उपयोग, प्लेटोनिज्म मतलब हो गया कि जो क्या बोला जाता है उसे प्लेटोनिज्म मतलब जो फिलोसफिकल जो आपको उपदेश देते हैं वो आपको हो गए प्लेटोनिज्म। ठीक है, प्लेटोनिज्म मतलब कि जो फिलोसफिकल आपको देते हैं उपदेश उसे बोला गया प्लेटोनिज्म, नियोलिज्म मतलब कि नए शब्द का उपयोग, मैक्सिम मतलब कि सिद्धांत और टर्न स्टाइल मतलब चक्र द्वार। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आगे, अ पर्सन हु इज स्लो टू लर्न, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ सीखने में ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ सीखने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, रिजिसाइड मतलब हो गया राज हत्या, ये हम लोग जो वर्ड्स हैं ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और इनका हिंदी जो है आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप कंप्लीट वीडियो देखें और उन वर्ड्स को भी नोट कर लें या याद कर लें। तो देखिए आपका ऑप्शन ए जो है रिजिसाइड यानी कि राज हत्या, एलिमिनेट, फ्रेटिसाइड यानी कि भाई का हत्या, ठीक है एलिमिनेट, डंस DUNCE, डंस मतलब हो गया कि जो व्यक्ति कुछ सीखने में ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, आपके मुकाबले जो है वो व्यक्ति कुछ सीखने में ज़्यादा समय लेता है, जैसे आप 2 मिनट में सीख रहे हैं वो व्यक्ति 5 मिनट में सीख रहा है। ठीक है, तो जो सीखने में ज़्यादा समय लेता है उसे ओ डब्ल्यू एस में कहा जाता है डंस, DUNCE, अ पर्सन हु स्लो टू लर्न। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और जीनोसाइड मतलब आपका हो गया कि नरसंहार, ये जो आपके ऑप्शन हैं उनका हिंदी नीचे दिया हुआ है मतलब वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अ स्टेट ऑफ बीइंग ब्राइट और रेडियंट मतलब होता है चमकीला, मतलब किसी भी चीज़ का बहुत ही चमकीला होना। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शंस जो हैं वो ऐसे हैं, कोर्शियन मतलब हो गया जोर जबरदस्ती करना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है एलिमिनेट, इफलजेंस मतलब हो गया चमकीला, तो देखिए हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हमें मिल गया। ठीक है, इफलजेंस, EFFLGENCE,
मतलब चमकीला, कन्फेशन मतलब कि स्वीकार करना, मान लेना, कैजुअलमेंट मतलब हो गया खुशामद चापलूसी, ठीक है, तुम्हारा ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, तुम्हारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द स्टेट ऑफ बीइंग ब्राइट और रेडियंट यानी कि चमकीला, इफल्जेंस मतलब होता है चमकीला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और आज जो है आपके लिए साइंस जो लूसेंट साइंस ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट साइंस है उनका भी वीडियो आज से बनाना शुरू हो गया है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और ज़रूर कमेंट करें कि कैसा लगा, ताकि हम जो है उस पर और भी वीडियो जो है, अभी बस हम 15 क्वेश्चंस ही बनाए थे, बस हमें ये जानना था कि आपको कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें कि आपको वो वीडियो जो है कैसा लगा, ताकि हम उस पर और जो है लंबा क्लास कर सकें और आपको जो है ज़्यादा यूज़फुल वो एग्ज़ाम में हो, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं OWS में, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी यानी कि पर्यवेक्षण, मतलब कि आप जो है कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। गैदर मतलब हो गया संग्रह करना, ठीक है, एक जगह करना, इकट्ठा करना, ठीक है। गैदर मतलब इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन मतलब कि सूचना, सूचना को जो है गैदर करना। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा आपका राइट आंसर है, चलिए देखते हैं। देखिए कार्निवोरस मतलब कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कार्निवोरस मतलब क्या होता है, आपको कमेंट करना है, शायद कल या परसों के क्लास में ही शायद हम लोग जो है OWS में ये पढ़े हैं ये वर्ड, ठीक है। हर्बीवोरस भी हम लोग जो है उसी दिन पढ़े थे, ये भी आपको कमेंट करना है। इन इंसेक्टिवोरस मतलब होता है जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है, ये वर्ड हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए जो है ये वर्ड का हम हिंदी बता रहे हैं, और ऐसे इन वर्ड्स का हिंदी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। इंसेक्टिवोरस मतलब होता है जो कीड़े खाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट है, ये बस आपको हिंदी आपको कमेंट करना है कि क्या होता है। और रिकरेंसेंस मतलब हो गया कि जो इन्फॉर्मेशन मतलब कि सूचना जो है संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसे बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे, सॉरी हम थोड़ा सा प्रोनाउंस जो है हम ये गलत कर दिए हैं, तो हम ये अपना जो प्रोनाउंसिएशन है ये थोड़ा सा कल हम इसे देख कर आपको राइट प्रोनाउंस क्या करना होगा ये हम बता देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, प्लीजेंट लाइट वाइन यानी कि सुस्त मंद सुस्त हवा, ठीक है, मतलब ऐसी हवा जो एकदम हल्की हल्की चल रही हो, आपको बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे गर्मी के दिनों में आप कहीं तो पार्क में बैठेंगे और हवा जो है धीरे धीरे चल रहा है, वो बहुत ही सुहावना लगता है, ठीक है। तो उसे हम लोग OWS में क्या कहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना ऑप्शन को, देखिए फ्रीज, फ्रीज मतलब क्या होता है, जमना, ठीक है। रिक्यूसाइट अनावश्यक कार्य, ठीक है। रिस्प्लेंडिट मतलब हो गया आपका चमकीला। तो देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से आपका जो है कोई भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं है, शायद हम जो है ऑप्शन गलत लिख दिए हैं, फ्रीज की जगह ब्रीज होगा, ठीक है, BREEZE, ठीक है। ब्रीज, ब्रीज मतलब होता है मंद सुस्त हवा, मतलब कि सुहावना हवा जो धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है FR नहीं होगा, यहाँ पे BREEZE होगा, ठीक है। ब्रीज मतलब हो गया मंद सुस्त हवा, प्लीजेंट लाइट वाइंड यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, बस F के जगह आपको B कर देना है, ठीक है। F के जगह जो आपको है B कर देना है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे A हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन हैं उनका हिंदी आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। तो एफ को आप रिमूव कर लीजिएगा बी से, ठीक है, एफ के जगह आप बी लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे, वन हु डजंट केयर फॉर आर्ट लिटरेचर एक्सेट्रा। देखिए आर्ट मतलब कि हो गया आपका लिटरेचर, मतलब कि आपका हो गया साहित्य, ठीक है। तो आर्ट और लिटरेचर जो है इन चीज़ों का एक व्यक्ति उस जो है उसका केयर नहीं करता है, देखभाल नहीं करता है, ठीक है, जो ध्यान नहीं रखता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, OWS में उसे क्या कहा जाता है। देखिए इंसाइक्लोपीडिया मतलब कि ग्रहण, जो एक जगह का संग्रह होता है वो आपका हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फेलेस्टीन मतलब हो गया असाहित्यिक, देखिए हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो गया, PHILISTIN यानी फिलिस्टाइन, ठीक है। फिलिस्टाइन मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो साहित्य का ध्यान न रखता हो, उसके बारे में अच्छा ना सोचता हो, ठीक है। तो वन हु डजेंट केयर फॉर आर्ट लिटरेचर एक्सेट्रा, जो साहित्य का ध्यान ना रखता हो, असाहित्यिक, ठीक है, असाहित्यिक, उसे कहा जाएगा फिलिस्टाइन, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अ र्यूड ब्रूटस फेलो मतलब कि गवार, ठीक
ठीक है, बहुत ही गवार है, जो मतलब बोलचाल भी उसका जिसका सही तरीके का नहीं होता है, बहुत ही रबिशली बोलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, OWS में रूड ब्रिटिश फेलो, यानी कि गवार। तो देखिए हमारे पास चार ऑप्शन हैं। देखिए जिन्यून मतलब हो गया असली, तो हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमारा जो OWS है वो है आपका गवार, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एलिमिनेट। याहू, याहू मतलब आपका हो गया गवार, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है, हम लोग जैसे बोलते हैं याहू, हम लोग मैच जीत गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो OWS में है याहू मीन्स होता है आपका गवार, ठीक है। लॉयलिटी मतलब कि किसी पर आप विश्वास रख सकते हैं, उस लॉयल हो सकते हैं आप उसके प्रति, ठीक है। और ऑप्शन डी जो है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, लॉयलिटी भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो बच रहा है कौन, ऑप्शन बी यानी कि याहू यानी कि गवार। चलिए आगे देखते हैं, यूज ऑफ फोर्स और थ्रीट टू मेक समवन अग्री, मतलब कि किसी को जोर जबरदस्ती से कोई भी बात मनवा लेना, ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और उनसे अपना बात जो है वो मनवा ले रहे हैं, ठीक है। तो जोर जबरदस्ती करना, यूज ऑफ फोर्स और थ्रीट, मतलब कि डरा धमका कर आप किसी व्यक्ति से कोई भी काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। देखिए स्केप्टिक मतलब होता है संशयवादी, ये हम लोग वर्ड पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एंटो साइनो में, आई होप कि आप लोग सभी को याद होगा, नहीं याद होगा तो प्लीज़ रिवीजन करते जाएं, और प्लेलिस्ट में सारा वर्ड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, तो प्लीज़ आप लोग हर एक वीडियो को जो है कंप्लीट देखें, हर एक वर्ड को अच्छे से याद करें। कोरिशियन मतलब होता है ज़बरदस्ती करना, तो देखिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी हमें मिल गया, ठीक है। CORCION, यूज ऑफ फोर्स ऑफ थ्री टू मेक समवन अग्री, मतलब कि जोर जबरदस्ती करके अपना काम निकलवा लेना, ठीक है, उसे हो गया जोर जबरदस्ती, यानी कि कोरिशियन, CORCION, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। माइजर मतलब हो गया कंजूस, और वैगाबॉन्ड मतलब हो गया घुमक्कड़, ठीक है, VAGABOND, वैगाबॉन्ड मतलब घुमक्कड़। इन जो वर्ड्स हैं, ये जो सॉरी जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आप इनका अर्थ जो है वो वर्ड मीनिंग के साथ साथ इनका हिंदी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। आइए देखते हैं आगे, साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी, मतलब कि डिक्शनरी का हिंदी क्या होता है, फोर्स, ठीक है, फोर्स। तो साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग अ डिक्शनरी मतलब कि एक डिक्शनरी को लिखना, उसे कंपाइल करना, मतलब कि एक जगह करना, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है OWS में। तो देखिए अमैलगमेशन, असाइनेशन, लेक्सिकोग्राफी और एजिवरेशन, ये चार ऑप्शन हैं। तो हमारा इसमें से जो राइट आंसर है, यह हमारा जो राइट आंसर है ये है सी, क्या है हमारा राइट आंसर, लेक्सिकोग्राफी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति मतलब एक साइंस जहाँ पे डिक्शनरी के कंपाइल करना और उसे लिखने का काम होता है, ठीक है, इसे कहा जाता है कोष लेखन, यहाँ लेखक नहीं होगा लेखन होगा, ठीक है, कोष लेखन, राइटिंग ऑफ साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग एंड डिक्शनरी कोष लेखन, यानी कि लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हैं इनका हिंदी जो है आपको यहाँ पे लास्ट में सारा का दिखा गया है। देखिए अमालगेमेशन मतलब हो गया एकीकरण करना, एशानेशन मतलब हो गया गुप्त मिलन, ठीक है, वैगाबाउंड घुमक्कड़, स्केप्टिव संशयवादी, लॉयलिटी विश्वासी या फिर स्वामित्व, एग्जाम्पलरी मतलब कि आवश्यक वस्तु, कोएसियन मतलब कि जोर जबरदस्ती, रेजिसाइड राज्य हत्या मतलब कि राजा का हत्या, नियोलॉजिज्म मतलब ये नए शब्दों का प्रयोग, क्लोजर मतलब कि समापन, ठीक है। तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनका हिंदी भी यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जो नया तरीका है ये भी अच्छा लगा हो, फिर भी आप कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर भी कर दें, ताकि और लोग जो हैं लाइक कर दें सबसे पहले, और शेयर करें ताकि और जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ें, सीखें और हमारे साथ और आगे जाने, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लासेज में, थैंक यू।